हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत वेलकम है. गाइस, मैंने एक न्यू चैनल बनाया है जिस पर मैं खाली जोडियक साइन वालों की रीडिंग करूंगी. वाटर, अर्थ, एयर और फायर साइन वालों की रीडिंग हुआ करेगी वीकली, तो आप वो जाके चेक करें. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. और गाइस, अब हम करने जा रहे हैं थर्ड पार्टी पर रीडिंग, यू वर्सेस देम. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग. पहले आपके पार्टनर के कार्ड निकालेंगे. कलेक्टिव होगी गाइस ये रीडिंग. पहले आपके पार्टनर के कार्ड निकालेंगे, फिर आपके कार्ड निकालेंगे, यानी कि थर्ड पार्टी जो है पार्टनर की तरफ से, और वो जो भी हो सकती है थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की तरफ से. पहले हम उनके कार्ड निकालेंगे, फिर हम आपके कार्ड निकालेंगे, फिर रोमांस एंजल्स में देखेंगे कि क्या चल रहा है आप लोगों के बीच में, यू वर्सेस थर्ड पार्टी में. तीन कार्ड आ गए हैं. गाइस, इस चैनल को एक बार ज़रूर देखिएगा, उसमें खाली जोडियक साइन वालों की रीडिंग होगी, जोडियक की रीडिंग होगी वीकली. बॉटम ऑफ द डेक थर्ड पार्टी की तरफ से निकल के आया है. थ्री ऑफ सोर्ड्स और ये आपके लिए है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स कि क्या चल रहा है आपके लिए, उनके दिल में किसको चुनेंगे वो, क्या होगा नेक्स्ट सेट. पूरे पांच कार्ड आ गए हैं, ये मैं ले लूंगी. बॉटम ऑफ द डेक आपके तरफ से आया है सेवन ऑफ कप्स. चलिए ठीक है, ये जो बॉटम ऑफ द डेक आया था ये मैं निकाल लूँगी, ये भी निकाल लूँगी. और अब निकालेंगे आपके पार्टनर की तरफ से एक एक कार्ड. पहले आपके लिए निकालूँगी कि क्या है उनकी फीलिंग्स आपको लेके, आ गया है आपका, आपके पार्टनर की तरफ से. अब आपके इनके लिए निकालूँगी, इनके लिए क्या आया है थर्ड पार्टी के लिए, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर. इनके लिए भी आ गया है एक कार्ड. अब रोमांस एंजल निकालेंगे. दो कार्ड रोमांस एंजल से देखेंगे कि क्या है आप लोगों के बीच में, यू वर्सेस थर्ड पार्टी. मेरे व्यूवर्स जो है उनको क्लियर मैसेज दीजिए. एक कार्ड और, बॉटम ऑफ द डेक आपका आया है रोमांटिक फीलिंग्स. तो चलिए, पहले है मेरे लिए आप ज़्यादा ज़रूरी हैं, पहले आपके कार्ड देखेंगे आपके लिए आपके पार्टनर क्या फीलिंग्स रखते हैं. डेथ, फाइव ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन, गाइस आपके पार्टनर कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी हो सकते हैं, और एरिस लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकते हैं. गाइस आपके पार्टनर हो सकता है पास्ट में उनके पास चॉइसेस रही हो, वो आपको छोड़ के चले गए, आपके बीच में सारी पेनफुल एंडिंग हो गई हो,
आपके और उनके बीच में ब्रेकअप हो गया हो, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक इंसान हो सकते हैं आपके पार्टनर, आपके पार्टनर पास्ट में हैंग हो गए थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो सोचना भी नहीं चाह रहे थे इस रिलेशन के बारे में, और आपको यही लग रहा था कि आपका और उनका रिलेशन जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया है। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक इंसान। लेकिन गाइज़ अब आपके पार्टनर आपके साथ सॉलिड फाउंडेशन चाहते हैं, अगर वो किसी और के साथ मैरिड है तब भी वो आपको किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते, वो आपके साथ को आपके कोर वर्कर हो सकते हैं, वो आपके साथ जो है ना आपको छोड़ना चाहते हैं ना वो जिस थर्ड पार्टी के साथ है उनको छोड़ना चाहते हैं, वो आपके साथ आप दोनों के साथ ही सॉलिड फाउंडेशन चाहते हैं, वो आपको कमिटमेंट देने के बारे में भी सोच रहे हैं। गाइस ये तीसरी रीडिंग मैंने थर्ड पार्टी की है और तीनों में ही यही आया है कि कमिटमेंट देंगे आपके पार्टनर, भले वो किसी भी सिचुएशन में हो, कोई भी थर्ड पार्टी हो उनकी लाइफ में, उनका कैरियर हो, उनकी जॉब हो, उनकी मैरिड लाइफ हो, तो वो फिर भी कमिटमेंट देने के बारे में ही सोच रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर जो है हो सकता है आप लोग पास्ट में को वर्क कर रहे हो, आपने इकट्ठे काम किया हो, अगर उनकी फैमिली है ना वो अपनी फैमिली को छोड़ना चाहते हैं ना वो आपको छोड़ना चाहते हैं, वो दोनों को ही रखना चाहते हैं। आपके लिए क्या कार्ड निकल के आया है, आपके लिए कार्ड जजमेंट का आया है गाइस। आपके पार्टनर जो है उनको वेकअप कॉल दी जा रही है जी, आ सारे जो है आपका रीयूनियन होगा, बहुत जल्द होगा रीयूनियन, आपको उनके को बैकअप कॉल दी जा रही है, उन्हें बताया जा रहा है यही है जिनका आपके साथ फ्यूचर है, यही है वो जिनके साथ आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी, यही है वो जो आपके हक़ में बेहतर है, उनको बैकअप कॉल दी जा रही है, आपका रीयूनियन होगा, सारे मसले मसाइल हल होंगे और चीज़ें आपके फेवर में ही जाएंगी। अब देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक है इनका हार्ट ब्रेक, यानी कि थ्री ऑफ सोर्ड्स। गाइज आपके पार्टनर इनके साथ पहले बहुत ज़्यादा खुश थे, वो इनके प्रोवाइडर थे, वो इनके शौहर थे या इनकी वाइफ थी, इन दोनों में इक्वल गिव एंड टेक प्यार था, इक्वल प्यार करते थे दोनों एक दूसरे से। हो सकता था इन लोगों का मज़हब डिफरेंट हो, इनका कल्चर डिफरेंट हो, लेकिन गाइज ये लोग बहुत ज़्यादा खुश थे अपनी लाइफ में, लेकिन बीच में शायद आपके पार्टनर को इन्होंने चीट कर दिया, इनके पार्टनर ने, जो इनका हार्ट ब्रेक हो गया। अब आपके पार्टनर का इनसे बहुत ज़्यादा जेलिसी का कार्ड होता है, ये बहुत ज़्यादा जेलिसी का कार्ड होता है, आपके पार्टनर इनके ऊपर नज़र रखते हैं। हो सकते हैं इन्होंने आपको इन्होंने आपके पार्टनर को चीट कर दिया, इनके हाथ किसी और के साथ देख लिया आपके पार्टनर ने, या कुछ भी ऐसा कुछ हो गया कि आपके पार्टनर का इनके से दिल ख़राब हो गया। अभी ये आपके पार्टनर को ऑफ़र देना भी चाह रहे हैं तो आपके पार्टनर को इनसे ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रहे। पहले इन दोनों में एक बार गिव एंड, ये जब आपको छोड़ के गए तो यहाँ पे बहुत प्यार था, इन्होंने इनसे शादी के भी वादे किए, अगर अनमैरिड थे शादी के भी वादे किए, इनसे मैरिड करना चाहते थे, शादी करना चाहते थे और इनके प्रोवाइडर बनना चाहते थे। अगर शादी हो भी गई तो ये यहाँ इनका एक बेबी हो सकता है, लेकिन गाइज़ अब मामला कुछ और है। शादी होने के बाद कुछ अर्से तो इनकी शादी सही चली, लेकिन अब मामला कुछ और है, अगर मैरिड नहीं है तो आपके पार्टनर को ये कोई ऑफ़र दे भी रहे हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इनको आप चाहिए अपनी लाइफ में हर हाल में। यहाँ पे इनका हार्ट ब्रेक हो चुका है, अब यहाँ पे किसी सूरत में भी ये रहना नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाए। इनके लिए बॉटम ऑफ द डेक क्या है, नाइन ऑफ पेंटिकल। गाइस आपके पार्टनर जो थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस देखते हैं, वो देखते हैं कि इनके पास वो सारी चीज़ें हैं जो एक बंदे के अंदर होनी चाहिए, यानी कि वो इनको भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, वो आपको भी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन इनकी लाइफ की मेन प्रायोरिटी जो है वो आप हैं, ये आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। गाइज इनके पार्टनर जो हो सकता है ये यहाँ पे इसलिए रह रहे हो कि यहाँ पे इनके पार्टनर बहुत ज़्यादा वेल्थी हों, इनके पास वो सारी चीज़ें हों जो इनको चाहिए हों। बहुत ही अजीब सिचुएशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले प्यार भी था, हैप्पी होम लाइफ भी थी, इनके प्रोवाइडर थे, और ये इंसान काफ़ी बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक होता है। हो सकता है इनके आपके पार्टनर इनके पार्टनर ने इनके इनके ख़िलाफ़ जाके कोई ऐसी बात कर दी जिससे इनका दिल बुरा हो गया हो, हार्ट ब्रेक हो गया, धोखा दे दिया इन्होंने। तो चलिए अब देखते हैं और इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है आपकी तरफ। पहले हम ये कार्ड देखें, फिर देखते हैं कि क्या निकल के आया है। रिट्रीट, फाइनेंसिस एंड कैरियर, सेपरेशन। अभी आप लोग सेपरेशन में हैं, अभी आप लोग सेपरेशन में चले गए हैं, आप लोगों की बातचीत नहीं है, आपके पार्टनर जो वर्थ वेटिंग पे हैं, आप इनका इंतज़ार करेंगी तो ये कमिटमेंट आपको इससे मिलेगी। क्योंकि ये देखें ये कार्ड यही बता रहे हैं, और ये दोनों कार्ड तीनों कार्ड भी यही बता रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो आपके साथ भी रिलेशन चाहते हैं, वो आपके साथ भी उसी तरह से रहना चाहते हैं, जैसे कि एक सॉलिड फाउंडेशन चाहते हैं आप दोनों के साथ। अभी आप लोग सेपरेशन में, अभी आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं,
टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर ऑन द होराइजन, वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग टाइमिंग इज एट वर्किंग योर लव लाइफ, फाइनेंसर फाइनेंसिंग सेट कैरियर। आपके पार्टनर हो सकता है फाइनेंसिस की वजह से इनके पास साथ हो, क्योंकि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बेहतर ना हो, और ये जो है थर्ड पार्टी हो सकता है फाइनेंशियल अच्छी हो, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो, इसलिए आपके पार्टनर इनको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे बच्चों की कस्टडी का भी मसला हो, इसलिए आपके पार्टनर इनको छोड़ना नहीं चाह रहे। लेकिन गाइस ये आपके साथ रहना चाहते हैं, ये आपके साथ सारी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। अगर आप इनका वेट करेंगी तो आपको ज़रूर इनकी तरफ से कमिटमेंट मिलेगी। ये सॉलिड फाउंडेशन चाहते हैं, ये खुशियाँ सारी आपको उससे देख रहे हैं, ये आपको अपना ट्विन फ्लेम समझते हैं। बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग हुई है आपके और इनके बीच में, तो देखते हैं इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपकी तरफ, चाहे आप गर्ल हो चाहे बॉय हो। 5 कार्ड निकालेंगे। बहुत ज़्यादा कभी कभी सिचुएशन इतनी स्टक हो जाती है इनके लिए, समझ नहीं पाते कि क्या करें, लेकिन मेरे लिए आप ज़रूरी हैं, तो मैं आपका ही देखूंगी आप कि आपके पार्टनर आपके साथ क्या चाहते हैं। एक कार्ड और दीजिए मुझे। चलिए जी, आ गया है बॉटम ऑफ द डेक आपका आया है क्वीन ऑफ कप्स। आपके पार्टनर के इमोशंस आपके लिए काफ़ी हाई हो रहे हैं, वो आपसे बेतहाशा प्यार करने लगे हैं, वो आपके पास अब आना चाहते हैं। आपके लिए देखिए क्या कार्ड निकल के आए हैं, 10 ऑफ कप्स। दोनों से ही प्यार करते गाइज, मैं क्या कह सकती हूँ, आपके सामने ही कार्ड निकालें, दोनों को ही नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है इनकी, देख रहे हैं 4 ऑफ कप का कार्ड आया है। ये भी कार्ड दिखें ताकि आपको, ये देखिए गाइज, कुछ कहना बाकी नहीं रहा है मुझे। ओह गॉड, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं आपके, माशाल्लाह बहुत प्यारे कार्ड आए। तो गाइज नेक्स्ट एक्शन इनका ये है, अगर आप इनका वेट कर सकती हैं, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे, वो आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप उनसे प्यार करती हैं। हो सकता है आपका कल्चर डिफरेंट हो सकता है आपका इनसे रिलीजन डिफरेंट हो, लैंग्वेज डिफरेंट हो, आपके पार्टनर आपसे दूर रहते हो, दुबई साइड वगैरह में रहते हो जी, वो आपके पास आना चाहते हैं। वो हो सकता है पास्ट में उन्होंने अपनी फीलिंग्स भी आपको सही से कन्फेस ना की, उन्होंने सही से बताया नहीं हो क्या चाहते हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या है। तो मैं बता देती हूँ उनके दिल में आपके लिए क्या है, उनके दिल में आपके लिए ये है। कार्ड देख के तो कुछ समझ ही गए होंगे क्या है उनके दिल में आपके लिए। अब वो आपके साथ, अब वो आपके अपने रिश्ते को दुनिया के सामने लेके आना चाहते हैं, वो आपके साथ हैप्पी होम लाइफ देखते हैं। वो हो सकता है अपने फाइनेंस पे अभी फोकस करें, जैसे हमारे पास फाइनेंस एंड कैरियर का भी आया है, वो अपने फाइनेंशियल अच्छे करके वो आपके पास आना चाहते हैं। वो आपको एक हैप्पी होम लाइफ चाहते हैं, वो लाइफ देना चाहते हैं जहाँ पैसा हो, जहाँ बच्चे हों, जहाँ खुशियाँ हों, जहाँ सब चीज़ें हों, जो वो आपको हर चीज़ प्रोवाइड करना चाहते हैं, और वो अपने और आपके रिश्ते को दुनिया के सामने लेके आना चाहते हैं। और ये शख्स जो है आपसे अपनी फीलिंग कन्फेस करेगा। इसका मेन प्रॉब्लम क्या है, इसका मेन प्रॉब्लम ये है कि ओह माय, ये तो मैंने देखा ही नहीं गाइस, ये देखिए, ये तो मैंने देखा ही नहीं, ये मैंने अभी देखा, मैं आपको बता, मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कार्ड देखे कि ये मैंने देखा नहीं, डिवाइन काउंटर पार्ट है। वो आपको अपनी ही तरह समझते हैं, जैसा आप एक दूसरे को मिरर करते हैं, आप दोनों एक दूसरे को देखिए, वो आपकी तरफ अब देख रहे हैं, और आप शायद ये दिखा रही हैं कि भाई मुझे तो तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है, तुमने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया, मैं तो अब परवाह ही नहीं करती तुम्हारी, पास में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें रही हो आपके, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो और दुआएँ मांगी हो। हो सकता आप लोग इन्हें सोशल मीडिया के थ्रू मिले हों, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो आपकी, इनसे हर दफ़ा साइकिल कंप्लीट होती है, हर दफ़ा आप लोग अलग हो जाते हैं, ये अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, ये आपको एस ऑफ सोर्ड देना चाहते हैं, यानी कम्युनिकेशन देना चाहते हैं, और रिश्ते में क्लैरिटी लेके आना चाहते हैं। गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग, अगर आप लोगों से रेजोनेट की हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपके पार्टनर आपको आएंगे सॉलिड ऑफर देंगे। चलिए कुछ मैसेजेस देखते हैं इनकी तरफ से। आई नीड सम टाइम, वर्थ वेटिंग फॉर, जैसे मैंने आपको पहले कहा, काश सब ठीक हो जाए, वो आपके अपने बीच में सब ठीक करना चाहते हैं, मुझे माफ़ कर दो, उन्होंने जैसे कोई पास में गलती करती है वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आई कैन सी फ्यूचर विद यू, जी वो मुझे नज़र आ रहे हैं कि वो आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं।
अब तेरे बिन हम नहीं रह सकते, सोच सकता है सॉन्ग के थ्रू कुछ कहना चाहते हो आपसे। ए मेरे हम सफ़र, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, ये दिल मुबारक हो तुम जो आए ज़िंदगी में। गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग, अगर आप लोगों से रेजोनेट की हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, मिलता है क्लियर में, बाय।